हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो आपको बहुत पसंद आएगा। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 500 ग्राम उबले हुए आलू ले लिए हैं छिलके उतार के। अब इसको हम इस तरह से मैगी वाले चम्मच से इस प्रकार से हम इसमें छेद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी आलूओं को इसी प्रकार से छेद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी आलूओं में छेद कर लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमने एक कढ़ाई में तेल डाल लिया है और कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और ये हो गया थोड़ा सा सौंफ। दालचीनी हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज का प्यूरी बना लिया है। तो अब इसमें हम प्याज का प्यूरी डाल देते हैं और अच्छे से इसको भून लेते हैं। और ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं एक मिनट तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें टमाटर प्यूरी बना के रखा था, तो इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको भी हम मिला के अच्छे से भून लेते हैं। और ये आ गया स्वाद के अनुसार नमक। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम घर का बना मसाला डालेंगे। तो ये देखिए, धनिया पाउडर आ गया 1 टेबल स्पून। और ये आ गया गरम मसाला, इसमें हमने जीरा भी मिला रखा है। और ये आ गया हल्दी पाउडर, ये आ गया मिर्च पाउडर। तो चलिए हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी पानी डाल लेते हैं इस तरह से मसाले को अच्छे से भूनने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल मसाले के ऊपर आ चुका है। और ये हमने डाल लिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं एक मिनट तक भून लेते हैं हम इसको। अब इसमें हम आलू को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अब देखिए फ्रेंड्स, हम 1 से 2 गिलास पानी डाल के 10 मिनट तक इसको हम पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक दिया है, अब हम इसे पका लेते हैं 10 मिनट तक। इस रेसिपी को आप एक बार बना के ज़रूर सर्व करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दम आलू बनके हमारा रेडी हो चुका है। हमने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है, ऊपर से धनिया का पत्ती डाल लिया है। आप इसे रोटी, चावल या पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।